व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए नए फीचर लॉन्च करता रहता है। व्हाट्सएप का यह फीचर भी कमाल का है। व्हाट्सएप के नए फीचर को मल्टी डिवाइस सपोर्ट फीचर के नाम से जाना जाएगा। वहाँ बेटल इन्फो के मुताबिक व्हाट्सएप यूजर 4 डिवाइस में एक सिंगल व्हाट्सएप अकाउंट को एक साथ एक्टिव रख पाएंगे। बता दें कि मल्टी डिवाइस सपोर्ट फीचर की लॉन्चिंग से पहले तक एक सिंगल डिवाइस में ही व्हाट्सएप अकाउंट को एक्टिवेट किया जा सकता था। अभी तक अगर व्हाट्सएप अकाउंट एक डिवाइस में लॉगिन रहता है और इसके बावजूद अगर आप दूसरी डिवाइस में व्हाट्सएप अकाउंट लॉगिन रखते हैं तो पहली वाली डिवाइस में व्हाट्सएप अकाउंट अपने आप लॉग आउट हो जाता है। यह समस्या व्हाट्सएप के नए अपडेट के बाद खत्म हो सकती है। ऐसे में यूजर्स को बार बार अलग अलग डिवाइस अकाउंट को लॉगिन और लॉग आउट नहीं करना होगा। व्हाट्सएप के मल्टी डिवाइस सपोर्ट फीचर को अलग अलग डिवाइस पर एक्टिव करने के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जा सकता है। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद अधिकतम 4 डिवाइस में एक सिंगल अकाउंट को एक्सेस किया जा सकेगा। व्हाट्सएप के मल्टी डिवाइस सपोर्ट फीचर के साथ ही कंपनी डिसअपेयरिंग मोड और व्यू वन फीचर पेश कर सकती है। डिसअपेयरिंग फीचर में मैसेज एक तय समय के बाद अपने आप डिलीट हो जाएंगे। वहीं व्हाट्सएप के व्यू वन फीचर डिसअपेयरिंग फीचर के साथ काम करेगा, मतलब यूजर चैट में शामिल फोटोज और वीडियोज को देख पाएंगे, हालांकि इन्हें डाउनलोड करने की सुविधा नहीं होगी।